हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका आपके भाई के चैनल पे जिसका नाम है एसडी एडिट। तो दोस्तों, आज हम कुछ देखने वाले हैं नया और क्रिएटिव फोटो एडिटिंग। दोस्तों तो इसके लिए मैं तो सबसे पहले हमें हमारा बैकग्राउंड लेना है दोस्तों। इस बैकग्राउंड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों देखिए, पूरा का पूरा एचडी है। इसके ऊपर अभी हम लगाएंगे, हम कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे इसके ऊपर। दोस्तों टेक्स्ट में जाएंगे सिंपल, इस पर हम एस लिखेंगे और ये एस हमें इधर डालना है दोस्तों। और ये टेक्स्ट दोस्तों आपको इधर मिल जाएगा, परचेस में मिल जाएगा दोस्तों, परचेस में। अगर आपका मोड वाला पिक्सार्ट नहीं है तो मैं मोड वाले पिक्सार्ट का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये देखिए दोस्तों, इधर है वो, तो हमको यही वाला ऐड करना है दोस्तों। इसे हम इधर ऐड कर लेंगे, इसमें हमें इतने गैप रखनी है। इसके हम नॉर्मल शेडो बनाएंगे दोस्तों, शेडो को थोड़ा ब्लर करेंगे और ओपेसिटी को कम करेंगे दोस्तों, इतना ठीक है। इसको हम डुप्लीकेट बनाएंगे, आपका जो भी नाम है आप डाल सकते हो दोस्तों, उसके वैसा कुछ नहीं है। ये देखिए दोस्तों, इतना ठीक है ये। इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, इतना और इसको पास मिलेंगे दोस्तों। और नॉर्मल डन कर देंगे, डन हो गया दोस्तों। अभी हम अपना फिर से एक टेक्स्ट डालेंगे, इस पर हम साइल लिखेंगे, आपका जो भी नाम है आप लिख सकते हो दोस्तों। इसका टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे दोस्तों, ये वाला रख दीजिए दोस्तों, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। हम इसकी शेडो बनाएंगे, शेडो इतनी ठीक है दोस्तों, मुझे तो ठीक लग रही है। इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, सीधा इसको इधर ऐड कर लेंगे, इसको कॉपी करेंगे और दूसरा नाम डालेंगे दोस्तों अपना। अभी मेरा नाम साहिल लेट गया, तो मैं साहिल लेट गया डाल रहा हूँ दोस्तों इधर एसडी का। इसका कलर हम रेड कर देंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया अपना काम इतना पूरा, हम इसे भी डन कर देंगे। ये अपना बैकग्राउंड तैयार हो गया, अभी इसके ऊपर हम ऐड फोटो में जाएंगे, अपने मॉडल को सिलेक्ट करेंगे और मॉडल सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसे हम इधर लगा देंगे। ये इतना ठीक है दोस्तों, इसको हम एडजस्ट करेंगे दोस्तों थोड़ा सा, इसका ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, शार्पनेस को, सिचुएशन को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे दोस्तों, हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम करेंगे दोस्तों, शेडो को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को वैसे रहने दो दोस्तों। इसको हम डन कर देंगे, ऐड फोटो में जाना है दोस्तों, आपको ये शेडो वाला पीएनजी ऐड करना है। इसको स्क्रीन कर देंगे हम ब्लेंड में जाके, स्क्रीन ने मल्टी कर देंगे। तो दोस्तों हम जाएंगे इरेज पे और इसकी जो ये बाजू की लाइन दिख रही है उसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद दोस्तों हम इसे अपने पैरों के नीचे लगाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, हमें इसे इस तरह से लगा देना है और जो हिस्सा ज़्यादा हो रहा है उसे फिर से इरेज पे जाके कट कर लेंगे। एक तरह से कट कर लेंगे दोस्तों हम इसे।
इतना हो जाने के बाद दोस्तों हम इसे डन, इसका और एक डुप्लीकेट बनाएंगे दोस्तों, हम इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और दूसरे पैर के नीचे लगा देंगे दोस्तों, इसके नीचे इस तरह से लगा देंगे हम इसे दोस्तों, हमें इसका और एक डुप्लीकेट बनाएंगे बड़ा वाला और इसके अपने अपने नीचे लगा देंगे दोस्तों, और जिधर जिधर हमको शेडो चाहिए उधर उधर हम लगा देंगे और बाकी का इरेज कर देंगे, जिधर जिधर हमको शेडो चाहिए उधर उधर हम लगा देंगे और बाकी का इरेज कर देंगे दोस्तों इसे। ये देखिए जो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपको भी उसी तरह करना है। और इसके ऑपेसिटी कम करेंगे दोस्तों हम, ये होगा दोस्तों अपना काम, इसको डन करेंगे सीधा। इतना हो जाने के बाद दोस्तों हम जाएंगे मैजिक ब्रश में जाना है दोस्तों हमको। ये देखिए ये ब्रश है, ये ब्रश में जाने के बाद दोस्तों हमको फ्रोजन वाला सेलेक्ट करना है। आप आगे चाहेंगे तो दोस्तों आपको मिल जाएगा, इसकी साइज़ हमको पूरे बढ़ाने और ऑपोसिटी को कम करना है दोस्तों, और बाजू से ऐसे लगा देना है। ये वो ज़्यादा हो गया, इतना ये भी ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, इसके साइज़ को कम करेंगे, एक इधर लगाएंगे, इतना ठीक है दोस्तों ये। और फिर से हम दूसरा वाले सेलेक्ट करेंगे ब्रश, जो आपको रेड कलर की, ये देखिए दोस्तों ये वाला दूसरा लेना है हमको, और इस वाइट पे मारना है। इतना ठीक है दोस्तों, हम इसे डन कर देंगे। डन करने के बाद दोस्तों हम जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद मैं आपको सारे फ़ोटो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा दोस्तों, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसको लेंगे, इसको हम इरेज करेंगे दोस्तों इधर से ऐसा, बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों, देख लीजिए एक बार। इतना हो जाने के बाद हम इसे सिंपल एडजस्ट में जाएंगे, हुई पे जाएंगे और इसका कलर चेंज करेंगे। ये देखिए दोस्तों रेड कलर कर देंगे, इसके मैच होना चाहिए। एंड में जाएंगे दोस्तों इसके और स्क्रीन कर देंगे। ये इतना हो जाने के बाद दोस्तों हमको नॉर्मल इसके ऐसे बाजू में लगा देना है। आप देख लीजिए दोस्तों, बस बहुत छोटी छोटी ऐसी ट्रिक है जिससे हम अपने फ़ोटो को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। ये देखिए इधर हमको जिधर जिधर लग रहा है वहाँ पर लगा देंगे हम, कि लाइट आनी चाहिए पीछे से रेड कलर की, इधर भी इतना ठीक है दोस्तों रेड कलर। हम अभी जाएंगे दोस्तों वाइट, फिर से एडजस्ट में जाना है, सिचुएशन को पूरा कम कर देना है दोस्तों इसके। और ये फ़ोटो इधर से देखिए, अभी इसकी लाइट वाइट हो गई है, हमको इधर लगा देना है बाजू में, बस हमको इसके डुप्लीकेट बना के लगा देना है दोस्तों, बाकी कुछ ज़्यादा काम नहीं है इसका। हमने इधर ऊपर वाला फोटो किधर गया क्या मालूम, अभी इसमें देखेगा भी नहीं वो। इसको और एक डुप्लीकेट बनाएंगे और इसको ऐसे दिमाग के पास लगा देंगे बालों पे। तो इतना ठीक है दोस्तों, हम इसे सीधा डन कर देंगे, अपना इतना काम हो गया दोस्तों। फिर से हम ऐड फोटो में जाएंगे, ऐड फोटो में जाने के बाद दोस्तों इस वाले पीएनजी को लेंगे दोस्तों हम, और इसको इसे नीचे लगा देंगे, नीचे लगाना, इसकी ऑपेसिटी कम करेंगे हम, इतने ठीक है, सीधा डन कर देंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारी फ़ोटो बहुत ही अच्छा हो गई है, बहुत ही ख़तरनाक। इसको हम नॉर्मल ड्रॉ में जाके सेव कर लेंगे, स्नैप स्पीड में आना है दोस्तों अभी हमको, वहाँ पर अपने फ़ोटो ऐड कर लेंगे। ये टूल्स में जाएंगे, सिलेक्टिव टूल करेंगे, नाक पे ऐसे रखेंगे और इसका ब्राइटनेस हम बढ़ा देंगे दोस्तों थोड़ा सा, इतना ठीक है, सिचुएशन को थोड़ा सा माइनस करेंगे दोस्तों हम,
शार्पनेस को भी थोड़ा सा माइनस करेंगे, हाथ पे भी वैसे ही करेंगे ना, हाथ की ब्राइटनेस थोड़े से बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे, सिचुएशन को कम करेंगे और ये इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे अपने जिधर जिधर हमारा वो काला भाग दिख रहा है शेडो पे, उसके ब्राइटनेस हम बढ़ाएंगे दोस्तों। पहले वाले को हमको तो ब्राइटनेस कम करने दोस्तों, बहुत इतने ठीक है, इसकी ब्राइटनेस इतनी ठीक है। सिचुएशन को बढ़ाएंगे, ये कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे, सिचुएशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे दोस्तों और इसको कम कर देंगे। ये देखिए दोस्तों अपने फ़ोटो बहुत ही बढ़िया हो गई है। फिर से हम सिलेक्टेड टूल में जाएंगे, अपना वो जो शर्ट है वो बहुत ही पुराना दिख रहा है दोस्तों, इसको हम नया दिखाने के लिए उसकी शार्पनेस बढ़ाएंगे, सिचुएशन को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ब्राइटनेस को थोड़ा सा, इतना ठीक है दोस्तों। ये साइड में भी हम वही करेंगे, ब्राइटनेस को थोड़ा सा, इसको पूरा बढ़ाएंगे, सिचुएशन को थोड़ा सा और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, अभी अपनी फ़ोटो हो गई है, देख लीजिए आप, बढ़िया से फ़ोटो बन के आई है और HD फ़ोटो हो गई है एकदम। तो हम अभी इसको सेव कर लेंगे। और दोस्तों आपको ये फ़ोटो एडिटिंग बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी और ऑन कर देना दोस्तों।